हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मौसम भी बहुत अच्छा है आज। वैसे तो सुबह से बारिश हो रही थी बट अब थोड़ा सा ठीक हो चुका है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक अल्बर्टा के ऐसे पीएनपी प्रोग्राम के बारे में जो कि बहुत ईजी है, क्योंकि ज़्यादातर, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, ज़्यादातर जो लोग होते हैं कनाडा में 12th के बाद, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद हो चाहे वो 12th के बाद हो, उनके जो पॉइंट बनते हैं ऑन एन एवरेज 350 से लेकर 450 के बीच में ही बनते हैं। बहुत, मतलब किसी किसी सिनेरियो में ऐसे होता है कि आपके 450 से ऊपर बन जाएं, बट मोस्टली अगर हम ऑन एन एवरेज बंदे की बात करें तो उनके 350 से लेकर 450 के बीच में बनते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ड्रॉ जो है इतना ज़्यादा नीचे चला जाए, ठीक है। तो उसी चक्कर में, मतलब क्योंकि इतने पॉइंट जिसके बनते हैं, या तो उसने इंडिया से 12th करी है, प्लस टू करी है, यहाँ पे आके डिप्लोमा किया है, या फिर उसने इंडिया से बैचलर्स करी है जहाँ पे आके, मतलब कनाडा में आके डिप्लोमा किया है। वर्क एक्सपीरियंस वही 1 साल का है या 2 साल का है, तो पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं इन कनाडा, ठीक है। 2-4 पॉइंट का फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आइल्स में अगर 7 to 9 के बीच में बैंड आ जाते हैं तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। CLB की बात हो रही है, ठीक है। तो उसी रिलेटेड आज हम, मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिसमें चाहे आपने प्लस टू करी है, चाहे आपने बैचलर्स करी है, चाहे आपके 5-6 बैंड है आइल्स में, CRS स्कोर चाहे जितना भी कम हो, और आपके एक और चीज़ होती है जो एजुकेशन है, चाहे 12th करी है चाहे बैचलर्स करी है, तो एक्सपीरियंस चाहे इनसाइड कनाडा का है चाहे आउटसाइड कनाडा का है, चाहे, मतलब इनसाइड कनाडा में है बट आउटसाइड अल्बर्टा है, तब भी आप इस प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल होते हो, तब भी आपकी PR जो है हो सकती है। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आपकी प्रोफाइल के बारे में कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो तो मैं अपनी बेस्ट नॉलेज से आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, तो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, फ्रॉम माय नॉलेज। तो आप कभी भी मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बुक कर सकते हो, तो उसका लिंक भी आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा, लिंक का, जिससे आप मेरे साथ बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो चलिए जी, वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है अल्बर्टा रूरल रीन्यूअल प्रोग्राम, ठीक है जी। तो इस प्रोग्राम की खास बात ये है कि ये, एक तो अल्बर्टा नाम से पता चल गया अल्बर्टा का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में इतनी कम रिक्वायरमेंट्स क्यों है? क्योंकि ये रूरल एरियाज़ हैं, अल्बर्टा के कुछ ऐसे रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे कम्युनिटी बहुत कम है, जहाँ की पॉपुलेशन वो कम, मतलब बढ़ाना चाहते हैं। तो इस, मतलब इसमें सारी कम्युनिटीज़ वेबसाइट के ऊपर दे रखी हैं, जो जो डेजिग्नेटेड कम्युनिटीज़ इसके अंडर, प्रोग्राम के अंडर आती हैं, और इस प्रोग्राम में वही कम्युनिटीज़ आती हैं जिसमें 100,000 से पॉपुलेशन कम है, मतलब 1 लाख पॉपुलेशन से जिन कम्युनिटी में, रूरल एरियाज़ में कम है, वो मतलब जो कम्युनिटीज़ हैं, या कह लो वो रूरल एरियाज़ हैं, इस प्रोग्राम के अंडर आते हैं। इसको, इसमें अल्बर्टा और एडमिंटन को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वो मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इसमें नहीं आती हैं, इसलिए वो, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वो जो दो सिटीज़ हैं वो इसमें नहीं फॉल करती है। बाकी के सारे मोस्टली रूरल एरियाज़ जो हैं वो फॉल करते हैं इसमें, जिसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो इसमें फॉल करती हैं। अब बात करते हैं इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। वैसे तो मैं रिक्वायरमेंट आपको सारी बता चुकी हूँ कि एजुकेशन आपकी कोई भी हो, ठीक है, वो चल जाएगा। अगर आपने आउटसाइड कनाडा से स्टडी करी है, कोई आपने बैचलर्स करी है, तो आपको उसकी ECA करवानी पड़ेगी, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो आप वैसे से करवा सकते हो, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो और दूसरी चीज़, आपको जॉब जो है, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब यहाँ पर बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक्सपीरियंस चाहे आपका आउटसाइड कनाडा में है, चाहे आपका इनसाइड कनाडा है बट अल्बर्टा से नहीं है, तब भी वो चल जाएगा। 1 साल का 12 months ऑफ एक्सपीरियंस इन लास्ट 18 months, पिछले 18 महीने में 12 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, उसके पीछे का नहीं चलेगा। वो कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है वो अल्बर्टा से होना चाहिए, कहीं से भी हो सकता है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ सबके दिमाग में रहती है, अभी किसी ने क्वेश्चन, मतलब मैसेज कमेंट भी किया था कि ऐसा होना चाहिए कि अब, मतलब किसी भी नॉक कोड में जो है एक्सपीरियंस काउंट हो जाए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सप्रेस एंट्री में ऐसा नहीं होता है। एक्सप्रेस एंट्री में सिर्फ 0A, मतलब 0, 1, 2, 3 जो टीयर में आते हैं उनका ही काउंट होता है, एक्सप्रेस एंट्री में सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जॉब जो है
किसी नॉक कोड मतलब 4 और 5 tier में आती है, जहाँ नॉक C और D में आती है, तब आप एक्सप्रेस एंट्री के अंडर एलिजिबल नहीं होते हो। बट उनके लिए जो PNP प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, वो PNP प्रोग्राम्स के अंडर अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, जिसमें उनको जो है अपना जो PNP के थ्रू जो हुआ PR ले सकते हैं। PNP एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम्स होते हैं ऐसे, जिसमें से थोड़े प्रोग्राम मैं ऑलरेडी अपने प्रो चैनल पे शेयर भी कर चुकी हूँ। तो इस प्रोग्राम की वही अच्छी बात इस प्रोग्राम में भी यही है कि इस प्रोग्राम में चाहे आपकी जॉब नॉक, मतलब नॉक की नहीं टीयर की बात करेंगे, क्योंकि जो कि नॉक कोड अब चेंज हो चुका है टीयर में, तो अगर आपकी जॉब जो टीयर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 मतलब किसी भी टीयर में है, तो आप तब भी इसमें एलिजिबल हो। मतलब कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी जॉब इसमें ही होनी चाहिए या इसमें होनी चाहिए, तो आप सारी कोई भी तरह की आपके जॉब का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आइल्स की अगर बात करें, ऑब्वियसली अगर कोई कनाडा में है या नहीं भी है, 4-5 band तो हर कोई ले ही लेता है, ठीक है। तो 4-5 band की ही इसमें रिक्वायरमेंट है। अगर तो आपकी जॉब जो आती है टीयर 0, 1, 2, 3, 4 ऑल्सो, अगर इन चारों कोड में आती हैं, तो आपको CLB जो है 5 चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी जो जॉब आती है टीयर 4 और 5 में आती है, तो आपको CLB 4 चाहिए। तो आइल्स की दिक्कत नहीं है, एजुकेशन की दिक्कत नहीं है, नॉक कोड की भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत क्या है, अब आप मुझे लगता है समझ भी गए होंगे दिक्कत क्या है। मेन दिक्कत ये है कि जो कम्युनिटीज इन्होंने बता रखी हैं, वैसे वो दिक्कत भी नहीं है, मतलब मैं उसको दिक्कत नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो चीज़ तो आपको हर किसी चीज़ में चाहिए, चाहे एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करना हो, चाहे PNP अप्लाई करनी हो, किसी भी प्रोविंस की करनी हो, वो चीज़ तो आपको चाहिए ही चाहिए। जो इसमें दिक्कत लग रही है, जो कि है आपकी ऑफर लेटर, मतलब कि ऑफर लेटर इन द सेंस कि आपको जॉब चाहिए उस कम्युनिटी से, जो कम्युनिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पे चेक कर लो। जो कम्युनिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, जो कम्युनिटीज इसमें एलिजिबल होती हैं, उन किसी एक कम्युनिटी में आपको जो है इसमें जॉब लेटर चाहिए, मतलब जॉब चाहिए वहां पे। लेट्स से आपने 1 साल काम किया है ओंटेरियो में, अब वहाँ पे आपको पता चल गया कि आपका कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे 12-13 महीने 14 महीने हो चुके हैं, कोई चांसेस नहीं है PR के, तो आप उन कम्युनिटीज़ में, ऐसी भी नहीं है कि वो कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है इसलिए वहाँ पे इतने, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलगरी और एडमिंटन इसमें इंक्लूड नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ दी जो कम्युनिटीज़ है वो इंक्लूड है, जहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा, इंडियंस भी हैं, मतलब आपको वो चेक करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करो कि वो जहाँ पे भी आप अप्लाई करना चाहते हो वो कैसी जगह है, कितनी पॉपुलेशन है, वो आपको उससे आइडिया मिल जाता है कि आप ऐसी किसी जगह में नहीं जा रहे जहाँ पे लोग ही नहीं रहते, ऑब्वियसली ऐसे तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस, और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि PR लेने के बाद आपको वो जगह मतलब छोड़ नहीं सकते, तो आप कभी भी छोड़ सकते हो, PR जब हो जाती है तो छोड़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी PR पे फोकस करना है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे हो, 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और आपको पता चल चुका है कि आपका कुछ नहीं बन रहा, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी जॉब्स अप्लाई करना शुरू करो, चाहे किसी भी सेक्टर में मतलब जॉब करते हो, किसी भी स्ट्रीम में जॉब करते हो, अपनी जॉब्स उस कम्युनिटीज में अप्लाई करना शुरू करो, जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है वहां पे जाके ज्वाइनिंग करो। ऐसा भी नहीं है कि आपको वहां पे जाके वेट करनी पड़ेगी, जैसे ही आप वहां पे गए अपनी जॉब ऑफर लो, जो आपका राइट है वो आपको मिलनी ही मिलनी है, ऐसा भी नहीं है कि वो आपको देंगे नहीं, आपने अभी जॉब शुरू किया है वो उन्होंने देनी ही देनी है, जैसे आपकी जॉब ऑफर लेटर या जॉब लेटर आपको मिल जाती है, वैसे ही आप उस प्रोग्राम के अंडर अपनी प्रोफाइल जो है अप्लाई कर सकते हो। अब ये पता चल गया रिक्वायरमेंट क्या, अब जो मेन चीज़ है प्रोसेस क्या है, मतलब अप्लाई करने के स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले जैसे आपको जॉब ऑफर लेटर मिल जाती है, उसके बाद आपको जो है वहाँ की जो अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी है, जिसका नाम है EDO, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास जाना है आपको जॉब लेटर लेके, मतलब वो लोकल कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी में आपकी जॉब होगी वहाँ की लोकल जो जो है लीगल एंटिटीज़ होगी, लीगल बॉडीज़ होगी, जिनका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास आपने जाना है अपनी लेटर लेके, उनको बोलना है कि हमें एंडोर्समेंट लेटर करानी है, मैं इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना चाहता हूँ जो चाहती हूँ, ठीक है। तो आप उनको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, ऑब्वियसली अगर आप आउटसाइड कैनेडा से अप्लाई कर रहे हो तो आप मतलब जो है आउटसाइड कैनेडा से आप ऑनलाइन भी उनके साथ मतलब इन टच कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो,
सकते हो कुछ भी, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे चेक कर सकते हो। तो आपको उनके पास जाना है कि मुझे इस प्रोग्राम के अंडर अप्लाई करना है, उस प्रोग्राम के अंडर वो आपको एंडोर्समेंट लेटर मिल जाएगी। एज सुन एज आपको एंडोर्समेंट लेटर मिल जाती है, क्योंकि इस प्रोग्राम के लिए आपको एंडोर्समेंट लेटर चाहिए, एंडोर्समेंट लेटर जैसे ही आपको मिल जाती है उसके बाद आपने AAIP के अंडर अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम के अंडर अपनी जो है PNP की फाइल डाल देनी है एंडोर्समेंट लेटर के साथ। जैसे ही आपकी PNP अप्रूव हो जाती है 600 पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपने वहां पे ऐड करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्राम हमने पहले शेयर करे हैं उसमें हमने बात करी थी कि आपको पहले एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, बट इसमें क्योंकि आपकी जॉब किसी भी कोड में हो सकती है, अगर तो लेट्स से आपकी टीयर 0, 1, 2, 3 में आती है ठीक है, तब आप पहले भी क्रिएट हो सकती है आपकी प्रोफाइल, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि तब आप इस प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद जब आपकी PNP मतलब जब एंडोर्समेंट लेटर मिल जाएगी, PNP मिल जाएगी, उसके बाद फिर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री के अंडर जो है अपडेट कर सकते हो कि मैं अभी वहां पे ऑप्शन आती है राइट, जब आप मतलब जब आप एक्सप्रेस एंट्री जिन्होंने बनाई है उनको पता होगा वहाँ पे ऑप्शन आती है, पूछा जाता है कि क्या आपके पास नॉमिनेशन है किसी प्रोविंस की, तो बाद में वो चीज़ आप अपडेट कभी भी कर सकते हो जब आपके पास PNP आ जाएगी। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, जा तो आप पहले प्रोफाइल क्रिएट करके अगर आपकी जॉब जो उस कैटेगरी में आती है जिसके अंडर आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल पहले बना सकते हो तो आप पहले क्रिएट कर लो, अगर आपकी उस कैटेगरी में मतलब नहीं आती जो कि Tier 4 and 5 है, अगर आप उसमें आते हो Tier 4 and 5 तब आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बाद में क्रिएट कर सकते हो जब आपको इस प्रोविंस से जो है नॉमिनेशन मिल जाए। तो बस उसके बाद जब आपके 600 पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे फिर आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बना लेनी है, वहां पे नॉमिनेशन की जगह पे आपने यस सिलेक्ट करना है क्योंकि तभी आपको जो है 600 पॉइंट्स मिलेंगे ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना नॉमिनेशन का सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड कर देना है, 600 पॉइंट्स प्लस जो भी आपके पॉइंट हैं वो ऐड हो गए, मतलब 900 समथिंग तो हर किसी के बनने ही बनने हैं ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही अगला ड्रॉ आएगा एक्सप्रेस एंट्री का तब आपकी जो है फेडरल PR का इनविटेशन आपको आ जाएगा अपनी ईमेल में, जो भी ईमेल आप उसमें डालोगे। तो बस ये था एक बहुत अच्छा प्रोग्राम, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है जिन्होंने 12th करी हुई है, मुझे लगता है कि उनको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपने लेट्स से एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले ही लिया है ओंटेरियो में तो तब भी अगर आपको अभी लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है तो जस्ट मूव, क्योंकि वहाँ पे जाके कहीं भी जाओ आपको जॉब तो ढूंढनी ही पड़ेगी। जब आपका ना 6 महीने बचाते हैं या 7 महीने बचाते हैं तब रश करते हैं बच्चे यहाँ पे, तब रश करने के बजाय अब सोच लो, क्योंकि अब आपका एक्सपीरियंस तो पूरा हो ही चुका है 1 साल का ठीक है। अब वहाँ पे जाके अपनी जॉब अप्लाई करो, चाहे वहाँ पे जाके करो चाहे यहाँ से ढूंढना शुरू कर दो जॉब्स राइट। वैसे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे जाके, क्योंकि अच्छी चीज़ ये है ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जब हम नए आते हैं कनाडा में तब भी तो हमारे लिए ये कंट्री नई होती है राइट, तब भी हमने जॉब्स ढूंढनी होती है। तो वहाँ पे जाके, क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको टीयर इसमें चाहिए जॉब या इसमें चाहिए, आप किसी भी मतलब कैटेगरी में आपको जॉब मिले आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन मतलब स्ट्रेस नहीं है आपके दिमाग पर यार पता नहीं मुझे NOC B की जॉब वहाँ पर मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो अच्छी चीज है। वहां पे जाओ, कम्युनिटीज पहले चेक कर लो कि वहां पे कौन सी कम्युनिटीज है और उन कम्युनिटीज में आप कहां पे जाना चाहते हो ठीक है। वहां पे जाके क्योंकि जॉब डेफिनेटली मिल ही जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है जॉब नहीं मिलेगी, मिल जाएगी जॉब आपको अगर आपने एक्सपीरियंस ऑलरेडी ले लिया है यहां से ओंटेरियो से या किसी भी और प्रोविंस से, तो फटाफट से वहां जाके अप्लाई कर दो और अपनी जॉब जो है ढूंढना शुरू कर दो ठीक है। और जल्दी से अपना, क्योंकि अभी जो समर टाइम है इज द बेस्ट टाइम टू मूव, क्योंकि समर में बहुत ज्यादा हर एक प्रोविंस में बहुत अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अभी समर में अगर मूव होकर जॉब वहां पे ले लोगे तो जब तक विंटर आएगी थोड़ा सा सेट हो जाओगे, तब तक अपनी एंडोर्समेंट लेटर भी ले लोगे, PNP भी ले लोगे, कम से कम जो आपकी प्रोफाइल है एक्सप्रेस एंट्री में चली जाएगी, तो वो अच्छी चीज है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मेरे साथ अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हो। तो विद दैट ऑल थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लो, एंड अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ, बाय बाय टेक केयर और फटाफट से लाइक एंड शेयर, थैंक यू।